जब भी आप लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकलोगे तो पानी का समस्या आप लोगों को दिख सकता है, लेकिन आप लोग घबराना मत। इस तरीके का आप लोग टैंकी देख रहे हो, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। कभी कभार पहाड़ों के कोनों पे आप लोगों को छोटे टैंकी देखने के लिए मिल जाएगा, जो पहाड़ों से पानी डायरेक्ट टैंकी पे आता है, तो वो पानी आप लोग पी भी सकते हो, नहा सकते हो, अपने कपड़े वगैरह धो सकते हो। चल बाय, ख्याल रखना अपना। जगन्नाथ, जय उड़ीसा, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू, मेरे चैनल का नाम है बैकपैक पिंटू, और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वक्त मैं शेरखान विलेज पे हूँ, और दो दिन से मैं शेरखान विलेज घूम रहा था। यहाँ पे 3 रातें मैंने गुजारी है। फाइनली अब यहाँ से मैं रवाना ले रहा हूँ एक गाँव को एक्सप्लोर करते हुए। शेरखान विलेज और इस विलेज के लोग काफी अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत तादाद में नेपाली लोग भी रहते हैं और 2-3 हिंदू फैमिली भी हैं। ये गांव में मेरे काफी छोटे छोटे दोस्त भी बने और कुछ बड़े भी। इन सब की यादों के साथ आज मैं यहाँ से रवाना ले रहा हूँ। हो गया, जा रहा हूँ, आखिरी दिन। बाय गुड लक, थैंक यू। जब भी आप लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकलोगे तो पानी का समस्या आप लोगों को दिख सकता है, लेकिन आप लोग घबराना मत। इस तरीके का आप लोग टैंकी देख रहे हो, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। कभी कभार पहाड़ों के कोनों पे आप लोगों को छोटे टैंकी देखने के लिए मिल जाएगा, जो पहाड़ों से पानी डायरेक्ट टैंकी पे आता है, तो वो पानी आप लोग पी भी सकते हो, नहा सकते हो, अपने कपड़े वगैरह धो सकते हो। तो पानी का तो प्रॉब्लम है मिजोरम में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोगों का पानी का कोई भी समस्या नहीं होगा एक्सप्लोर करते वक्त। हाँ, आप पैदल, वाह दुकान बहुत अच्छा है आपका। बहुत गर्मी है आज। कहाँ से? मैं पूरा मिजोरम घूम लिया, पूरा मिजोरम घूम के अभी वापस जा रहा हूँ। कहाँ से आया? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। Thank you.
गुजर रहा हूँ, मेरे को जाना इस तरफ है। ये मैम लोग हैं, बस इनके दुकान पास में ही है और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं दे रहा है जो यहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का मजे लेने में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। खूब ज्यादा मजे ले रहे हैं यार ठंडी हवाओं का। कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर निकलेंगे मंजिल के तरफ। पाँच किलोमीटर चला हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट है। बीच में मैंने एक ब्रेक भी लिया था, लेकिन ये छोटे रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ से मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिल रहा है। फिलहाल मेरे को जाना है बलपुई, और बलपुई यहाँ से मतलब मैं जहाँ से निकला वहाँ से तो 35 था, और नहीं 31 था, तो अभी 26 किलोमीटर है यार। थकावट की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंड बकने लग रहा हूँ, तो मेरे को और 26 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और अभी दोपहर का 3:30 हो रहा है। बनकुई में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेपाली लोग रहते हैं और हिंदू है, और वहाँ पे मंदिर है। क्योंकि मिजोरम में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी तक किसी मंदिर पे नहीं गया और यार माता जी का अभी तक दर्शन नहीं किया। भले माता जी का दर्शन ना हो, भगवान जी का भी हो जाए, लेकिन मंदिर मिल जाए। मंदिर वैसे आर्मी कैंप वगैरह में होते हैं, मिजोरम में बहुत सारे आर्मी कैंप हैं, लेकिन वो जगह तो जा नहीं सकते ना, वीडियो शूट नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं बनपुई पहुंच जाता हूं तो आप लोगों को भी भगवान जी का दर्शन जरूर करवाऊंगा। लिफ्ट मांगा यार, मना कर दिया, गजब बेइज्जती। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही यार, पूरा देश के लोग हैं मदद करने के लिए। सिलचर यहाँ से 140 किलोमीटर और टाइटो यहाँ से 7 किलोमीटर, तो मुझे कौन सा सिलचर जाना है चलो यार यहाँ से लेते हैं रवाना अपने मंजिल की तरफ। हाँ, लिफ्ट का कोई ठिकाना नहीं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। ये रास्ते अभी छोड़ते हुए मैं निकल आया हूं इस रास्ते की तरफ, और हाँ पता नहीं मैं अपने मंजिल की तरफ कब पहुंचूंगा, कब मुझे लिफ्ट मिलेगा और कब मैं आराम से बैठते हुए ठंडी हवाओं का मजे लेते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचूंगा। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं बनपुई जा रहा हूँ। हाँ, आप जा रहे हो क्या? हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए बहुत टाइम से पैदल चल रहा हूँ, थक गया। मैं बनपुई जा रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया ट्रैवलिंग करता हूँ पैदल, विदाउट मनी, बाय वॉक। एक्सप्लोर करते हुए मैं पहुंच गया हूं बनपुई, यही मेरा लोकेशन था। पीछे की तरफ एक मंदिर था लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, देखते हैं दर्शन करते हैं और यहां से फिलहाल अभी वॉक करते हुए चलते हैं।
जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था फाइनली मैं मंदिर पे आ गया हूँ। और दोस्तों जब मैं त्रिपुरा एक्सप्लोर कर रहा था तो आप लोगों को बोला था जब भी मैं मिजोरम में घूमूंगा मंदिर खोज के निकालूंगा, जरूर होगा, क्योंकि यार यहाँ के सभी लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर 1992 में इन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे ये पूरे कॉलोनी में ज्यादातर गोरखे लोग रहते हैं, यानी हमारे नेपाली भाई लोग। तो चलिए चलते हैं अंदर और बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। मैंने प्रवेश लिया, ये माताजी है। मैं आप लोगों को हर वक्त बोलता हूं दोस्तों, जहां कहीं भी माताजी होती है मुझे अपने पास बुलाती है। देखिए हाँ, इस तरफ में महादेव जी है। आप लोग कभी भी बांकुई होते हुए आप लोग जाओ तो इस मंदिर पे आओ, एक्सप्लोर करो माताजी का और भोले बाबा का दर्शन करो, फिर सिलचर जाओ। यदि आप लोग सिलचर जा रहे हो आइजोल से तो दर्शन करते हुए जाओ, या सिलचर से आइजोल जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो यार इस रास्ते से तो आशीर्वाद लेते हुए जाओ, आपका और आपके परिवार का हर वक्त भला होगा। जैसे देखिए माताजी हर वक्त मेरे को प्रोटेक्ट करती है, हर वक्त मेरा भला करती है और माताजी से भी मैं हर वक्त आप लोगों के लिए भी मैं दुआएं मांगता हूँ कि माताजी हमेशा आप लोगों को और आप लोगों के चाहने वालों को, घर वालों को भी ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देते रहे। आप लोग भी आइए आशीर्वाद पाना है तो। आप लोग जब यहाँ पे इस मंदिर पे आओगे दर्शन करने के लिए तो ऊपर में यहाँ पे आपको आरती मिलेगी, यहाँ पे आप आरती पढ़ते हुए भी पूजा कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा मन की शांति भी मिलेगी। ये हमारे माता जी हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ से इस रास्ते से, ये ठीक रास्ते के पास में ही है, रास्ते के पास से आप जब भी यहाँ से गुजरे माता जी का दर्शन करना मत भूलिएगा। और ठीक इसके बाजू में ही है हमारे भोले बाबा जी और कृष्ण कन्हैया जी भी। प्रजा बहुत